नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बेहतरीन शेयर के बारे में जो कि आपको एक बेहतरीन रिटर्न दिया है। और ये स्टॉक में एक बड़ी गिरावट आई थी लेकिन फिर से इसमें जान जो है वापस आ रही है, तो इस स्टॉक के बारे में हम डिस्कस करना चाहेंगे। हम अपने सब्सक्राइबर को इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर दें कि जो हमारा आरती ड्रग्स है, इसमें बहुत सारे लोग जो है ऊपर के लेवल में भी फंसे थे, बहुत सारे लोग जो काफ़ी नीचे के लेवल में बाय किए थे, जैसे 120 रुपीज़ 150 रुपीज़, तो उन्हें काफ़ी अच्छा रिटर्न भी प्राप्त हुआ। तो जो भी नीचे लेवल में बाय किए थे उन्हें निश्चित रूप से इन्वेस्टेड रहना चाहिए, काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है। जब ये इतनी बड़ी रैली किया, यहाँ से आपको 6 टाइम्स 7 टाइम्स का रिटर्न दिया, तो थोड़ा सा करेक्शन तो इसमें देखने आपको मिलेगा ही, जो कि हमें देखने यहाँ पर मिला भी। ये स्टॉक पहले 900 से करेक्ट हुआ, फिर 1000 के लेवल से करेक्ट हुआ और यहाँ पर देख सकते हैं फिर से इसमें जान वापस आ रहा है। फिर से ये स्टॉक देख सकते हैं यहाँ पर लगातार ग्रीन कैंडल बना रहा है, लगातार 3 दिन से यहाँ पर देख सकते हैं लगातार जो पिछले 3 दिन है उससे ग्रीन कैंडल यहाँ पर बना रहा है। तो हो सकता है ये फिर से यहाँ पर एक बड़ा रैली यहाँ पर दिखाए। अगर 1000 के लेवल को क्रॉस करता है, सस्टेन करता है, सिर्फ क्रॉस नहीं क्रॉस करके सस्टेन करता है, तो फिर इसमें आप जो है पोजिशन बना सकते हैं। जो इन्वेस्टर है, मतलब जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्ट करते हैं, तो उन्हें जब भी शेयर सस्ते प्राइस पे मिल रहा है तो उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होता है। जैसे स्टॉक काफ़ी नीचे आ चुका था तो ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी था कि आप 620 के रुपीज़ के प्राइस पे आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते थे। कुछ अमाउंट यहाँ पर इन्वेस्ट करते और वेट करते, अगर गिरावट आती है तो नीचे के प्राइस पर इन्वेस्ट करेंगे, अगर ऊपर जाता है तो ऊपर के प्राइस पर इन्वेस्ट करेंगे। तो नीचे के प्राइस पर जब भी आता है स्टॉक तो एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होता है वहां पर इन्वेस्टर के लिए, आप वहां पर इन्वेस्ट कर सकते हैं लोअर प्राइस पर। ये बेहतरीन मौका होता है कि लोअर प्राइस पर आप इन्वेस्ट करें। अभी पर हम बात करेंगे कि जो ट्रेडर हैं, जो पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए वेट एंड वॉच का टाइम है। जब तक ये स्टॉक्स 1000 के लेवल को क्रॉस नहीं करता है तब तक इसमें बड़ा रैली देखने आपको नहीं मिल सकता है। साथ ही साथ मार्केट भी हमारा ऑल टाइम हाई पे है, अगर मार्केट में करेक्शन होता है तो हो सकता है इसमें और ज्यादा करेक्शन हो। पहले हमने इसमें 750 तक ये स्टॉक आ सकता है जब 1000 के लेवल से क्रेश हुआ था। उसके बाद हमने बोला इस स्टॉक में अगर ये लेवल ब्रेक होता है 500 तक आ सकता है, लेकिन ये 630 रुपीस के प्राइस पे ही सपोर्ट ले लिया, तो हो सकता है यहाँ से ऊपर वापस तेजी देखने मिले या फिर से ये करेक्ट होकर के 500 के लेवल पे भी आ सकता है। तो अभी दोनों सिचुएशन समान रूप से है, क्योंकि मार्केट भी हमारा ऑल टाइम हाई पे है, ये स्टॉक में भी अभी करेक्शन पूरा हुआ है या नहीं इसका सिग्नल हमें अभी मिलना बाकी है। लेकिन डे चार्ट पर, जो डेली चार्ट है उस पर देख रहे हैं कि ये स्टॉक लगातार 3 दिन तक अप ट्रेंड में है, तो अगर ये अप ट्रेंड कंटिन्यू रहता है तो जो पोजिशनल ट्रेडिंग करने वाले लोग हैं उसे वेट एंड वॉच करना चाहिए, अभी आपको ट्रेड नहीं लेना है। इन्वेस्टर के लिए बेहतरीन मौका है, नीचे प्राइस पर जब भी मिलता है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, थोड़े थोड़े स्टॉक्स आपको बाय करना है हर लेवल पर। तो ये बात हुआ इन्वेस्टर और ट्रेड के लेवल्स और टारगेट का। तो इस ये फंडामेंटल की अच्छी कंपनी है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, अगर आपको जानना है तो आप यहाँ पर मंडी कंट्रोल के वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, इस पर वैल्यूएशन क्लिक करिएगा। 600 करोड़ का ये मार्केट कैप है कंपनी का, डिविडेंड 20% है, यहाँ पर देखते हैं अर्निंग पर शेयर 24 रुपीज़ है, फेस वैल्यू 10 है। कॉर्पोरेट टैक्स पे जाकर के आप देखते हैं कंपनी जो है डिविडेंड कब कब देती है, कंपनी देखते हैं 2020 में 2 बार, 19 में 1 बार, 18-17 1 बार, तो काफ़ी अच्छी है। बोनस कंपनी लगातार दे रही है 2020 2015 1996। स्प्लिट पर क्लिक करेंगे, अभी तक ये स्टॉक स्प्लिट नहीं हुआ है। फाइनेंशियल पर क्लिक करके कंपनी के फाइनेंशियल देखते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं सेल्स भी लगातार इंक्रीज हुआ है, 2019 सितंबर में 477 करोड़ था जो कि 578 हो गया है। प्रॉफिट 32 करोड़ था सितंबर 19 में, अभी सितंबर 2020 में 75 करोड़ हो चुका है, तो काफ़ी ज़्यादा सेल्स भी इंक्रीज हुआ है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफ़ी ज़बरदस्त है, 62.3% शेयर होल्डिंग पैटर्न प्रमोटर्स का, मतलब स्टेक था 2018 में जो कि 2020 में बढ़ के हो गया 60.21%। तो प्रमोटर्स का स्टेक भी लगभग कांस्टेंट है, थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है जो कि कुछ खास हमें साइन नहीं देता है कि अभी इसमें मतलब प्रमोटर्स का स्टेक काफ़ी कम हो गया है, क्योंकि काफ़ी हाई प्रमोटर्स का स्टेक है, लगभग 75% होता है, तो जिसमें से 60% है तो 50% तक काफ़ी अच्छा माना जाता है। काफ़ी अच्छा स्टॉक्स है, फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, आप चाहें तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप इसमें देखना चाहते हैं कंपनी का बैलेंस शीट, तो फाइनेंशियल पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर बैलेंस शीट पर क्लिक करेंगे, बैलेंस शीट पर जैसे क्लिक करेंगे आपको कंपनी
कंपनी का बैलेंस शीट आ जाएगा। इस पर जाकर के आप कंपनी के बैलेंस शीट को पढ़ सकते हैं। तो इक्विटी शेयर कैपिटल 23 करोड़ का है कंपनी के पास, रिजर्व 598 करोड़ का जो कि लगातार कंपनी का बढ़ रहा है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग 176 करोड़ का जो कि यहाँ पर देखते हैं कि लगातार कम हुआ है। यहाँ पर देखते हैं कंपनी का लॉन्ग टर्म बोरोइंग पहले काफ़ी ज़्यादा था, तो जो कंपनी के ऊपर डेट है काफ़ी कम है, मतलब ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग एक तरह से डेट के जैसा कार्य करता है, कंपनी के ऊपर डेट काफ़ी कम है। तो इस तरह से आप सारे फंडामेंटल रिसर्च, कंपनी के बिजनेस, सारे चीज़ को रिसर्च करके तब आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इन्वेस्टर के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, जब भी आपको गिरावट में स्टॉक मिलता है तो ऐसे अच्छे स्टॉक में ज़रूर इन्वेस्ट करें। फार्मा सेक्टर के स्टॉक है जो कि काफ़ी ज़्यादा रैली हो चुका है और थोड़ा सा अगर करेक्शन आता है, करेक्शन पर आपको मिलता है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, या अभी आप वेट एंड वॉच भी कर सकते हैं। अगर मार्केट नीचे आता है तो नीचे के लेवल पर आप इन्वेस्ट करेंगे। उम्मीद करता है वीडियो हेल्पफुल लगा हो, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो उस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।